गमले तोड़ रहे, कैंपस में तोड़फोड़ कर रहे, ये सभी वेटनरी विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो इस बात से आक्रोशित हैं कि उनके कुलपति पर एक महिला ने दुराचार के आरोप लगाए थे। कुलपति महोदय ने उस वक्त सारे आरोपों को नकार दिया और न्यायालय की शरण में चले गए। माननीय न्यायालय ने उस महिला की बात को सच माना है और कुलपति के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इस बात से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। NSUI भी यहाँ प्रदर्शन करने पहुँची थी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के सचिन रजक ने कुलपति के कृत्य की निंदा की और आक्रोशित छात्रों को समझाइश भी दी। जो बिटनरी कुलपति के ऊपर आरोप लगा रही थी, उसके बाद कुलपति महोदय ने ये कहा था कि जो मेरे पास झूठा आरोप है वो हाईकोर्ट गए थे। दो दिन पहले हाईकोर्ट ने स्टे को विकेट कर दिया और ये कहा कि महिला जो कह रही वो सही है और उस पर FIR दर्ज किया है, जिसके बाद आज पूरे वेटनरी विश्वविद्यालय के छात्रों ने, NSUI के छात्रों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। वेटनरी के छात्र बहुत आक्रोश में है कि उनके विश्वविद्यालय कुलपति ने इतनी गंदे कर्म किया है। वेटनरी के छात्रों ने यहाँ पर तोड़फोड़ की है। NSUI ने उनको समझाइश दी है कि अभी ऐसा उग्र प्रदर्शन न किया जाए, सरकार उनके साथ है और कुलपति का जल्द से जल्द इस्तीफा लिया जाएगा। क्योंकि मामला छात्रों से जुड़ा हुआ है और वेटनरी महाविद्यालय का है तो देर से ही सही पुलिस भी वहां पहुंच गई। डॉक्टर जोशी द्वारा कि वो जो कुलपति महोदय है उनका इस्तीफा दो इस कारण से मतलब इसी के अगेंस्ट में तोड़फोड़। पुलिस को सूचना थी आंदोलन की, फिर भी लेट आई पुलिस? नहीं, पुलिस को सूचना नहीं थी, पुलिस को जैसी सूचना नहीं कर पाया। विद्या के मंदिर को कलंकित करने वाले वेटनरी के कुलपति की सभी निंदा कर रहे हैं। छात्रों की और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की मांग है ऐसे कुलपति को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए।